हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर में। मेरा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मेरा आज का विषय है डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। दोस्तों, हम अक्सर लाइफ में हमारे पास जो साधन होते हैं, जो खुशियाँ होती हैं, वो कितनी बड़ी हैं या कितनी छोटी हैं, इस बात को इस पैमाने पर मापते हैं कि लोगों के पास क्या है। इस तरह हम अपनी खुशियों और उनके गुणों की तुलना करते हैं किसी दूसरी से जो हमसे बिल्कुल अलग होता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और मान लीजिए हम यदि खुद को किसी और से कंपेयर करते हैं तो वो कंपेयरिंग करना कब फेल हो जाता है, आइए इस पर कुछ रोशनी डालते हैं। आप रिजल्ट देखते हैं उनके एफर्ट्स नहीं, जब आप दूसरे की सक्सेस देखते हैं तो आप केवल रिजल्ट देखते हैं। आप इस रिजल्ट को पाने के लिए उस व्यक्ति ने कितने एफर्ट्स लगाए उस पर ध्यान नहीं देते, और यही वजह है कि आप खुद को हर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट, आप उनके जैसे नहीं हैं। कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स से मतलब यह है कि आप जो कुछ भी जानते हैं, आपको जो भी ईश्वर ने दिया है, आप उसकी तुलना दूसरे से करते हैं, लेकिन आप हमेशा चीज़ों के बाहरी रूप को देखते हैं। वो अक्सर अच्छी लगती हैं जिनसे खुद की तुलना करते हैं। वो अंदर से कैसे फील कर रहे हैं सिर्फ वही जानते हैं, और यही वजह है कि आप बाहरी रूप को देखकर खुद को हर्ट करने लगते हैं। तीसरा, खुद का समय वेस्ट करना। खुद की तुलना दूसरे से करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास समय सीमित है तो उसे दूसरों की तुलना करने में व्यर्थ ना करें, इससे आपको ही परेशानी होगी। चौथा पॉइंट, कंपैरिजन आपकी अचीवमेंट की खुशी को मारता है। जब आप खुद में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, फिर खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तो यह कंपैरिजन आपके बदलाव से आपको मिलने वाली खुशी को कम कर देता है। अगर आप खुद को हमेशा नेगेटिव होकर तुलना करते रहेंगे तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। इसीलिए खुद को हमेशा पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव सोचें। खुद को दूसरों से कंपेयर करने से कैसे रोकें? अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट करें। आपके अंदर क्या रियल चेंजेस आए हैं, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा और अपनी गति को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहें। दूसरा, आभार व्यक्त करें, एक्सप्रेस
ग्रैटिट्यूड। आपको ईश्वर ने जो भी दिया है, जो भी आपके पास है, उसका आपको, ईश्वर को, लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए। इससे आप एक अच्छे इंसान भी बनेंगे, एक पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग बनेंगे। और कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें और अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को याद करें जो आपको खुशी देता हो। लाइफ कंपटीशन नहीं है, रियलाइज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर सकें। कई लोग अपनी लाइफ के एक पहलू में सफल होते हैं और दूसरे में विफल। इसीलिए लाइफ को कोई गेम ना समझें, कोई कंपटीशन ना समझें। बस आप प्रयास करें और आगे बढ़ते जाएं और पीछे की चिंता करना छोड़ दें। कंपेयर करना है तो खुद से करें। अगर आप किसी चीज़ को कंपेयर करना चाहते हैं तो खुद से करें कि आपके अंदर क्या कमी है और आप उस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। ये खुद से कंपेयर करें कि आपको खुद को कैसे इम्प्रूव करना है और आपको खुद को कैसे हर्ट नहीं करना है, कैसे दुखी नहीं करना है। जिस प्रकार हमारी हाथ की उंगलियां समान नहीं होती, उसी प्रकार हर मनुष्य में कुछ अपने गुण होते हैं। हर मनुष्य अपने आप में यूनिक होता है और जिन गुणों के द्वारा वह पहचाना जाता है, और वही गुण उस इंसान को कामयाब, सक्सेसफुल बनाते हैं। हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है, इसी प्रकार उसके गुण भी अलग अलग होते हैं। दोस्तों, हमारे टीनेजर्स, हमारा यूथ आजकल खुद को दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है, जिसके कारण कि वो खुद को हर्ट करते हैं। जैसे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, उसकी हाइट ज़्यादा अच्छी है। तो यदि वह आपसे ज़्यादा सुंदर है तो क्या उसका नेचर भी उतना ही इम्प्रेस करने वाला है? क्या उसका नेचर उतना ही अच्छा है? और यदि किसी की हाइट अच्छी है तो क्या वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या क्या वह उतना इंटेलिजेंट है? यह देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या अच्छे गुण हैं और उन गुणों को अपनाना चाहिए। दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक संस्था है जो मरीजों की देखभाल करती है जिन्हें कि कोई ना कोई जानलेवा बीमारी है। एक बार डॉक्टरों ने एक सर्वे किया और उन्हें ये बता दिया कि आप लोगों के पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, आप लोगों के पास चंद दिन बचे हैं। और उनमें एक सर्वे किया गया कि उन्हें वक्त के इस मोड़ पर किस बात का अफसोस होता है, या उन्हें मौका मिले तो वो इस लाइफ में क्या करना चाहते हैं। यकीन मानिए, सभी के जवाब लगभग सेम थे। काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी होती, ना कि दूसरों के इशारों पर। काश मैंने अपनी इच्छाएं जाहिर की होती, मैं खुद को खुश रख पाता। इसीलिए खुद को किसी से कंपेयर ना करें,
आपके जीवन की यात्रा आपकी है और दूसरे व्यक्ति के जीवन की यात्रा उसकी। आप ये नहीं जानते कि उसने उस मुकाम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की, और वह व्यक्ति ये नहीं जानता कि आपने अपने मुकाम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया और कितनी पहचान बनाई। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी उतना ही पवित्र होता है कि उसे ईश्वर के चरणों में चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार आप भी अपने ऊपर किसी की नेगेटिव सोच का और नेगेटिव लोगों की बातों का प्रभाव ना पड़ने दें। अपने जीवन को शांत मन से जिएं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। कीप स्माइल, स्टे कूल, स्टे फिट। थैंक्स फ्रेंड्स।